गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोगों ने एक नया पेंट हाउस लिया है और वो पेंट हाउस इतना ऊपर है बादलों के ऊपर। ये देखो, 0 विजिबिलिटी आज इतना कोहरा और इतनी ठंड है आज। हमारे घर से कोई पेंट हाउस नहीं लिया, बट आज फॉग देख रहे हो आप कितनी है। कैसे जाऊंगा ऑफिस आज? गुगु, ओए गुगु, इवान चूहा बुला रहा है मुझे। कौन है चूहा? कहाँ है चूहा? कहाँ है? कैसे करता चूहा? कौन है चूहा? कैसे करता है? ये देखो, म्यूजिक चला रहा है। मैडम लगी हुई है फोन पे, कह रहा है डॉक्टर ने मम्मा को प्रिस्क्रिप्शन दिया है इंजेक्शन। ये देखो कौन सा इंजेक्शन लगाना है नानी। क्या कर रहा है ये? माने दादी के पास कार है, दादी का मशीन है, लेके आओ दादी के पास। जाओ जाओ, भागो भागो, जल्दी लेके आओ दादी से। ये देखा, सुबह सुबह आके बैठ गया है डाइनिंग टेबल पे। ब्रेकफास्ट रेडी है, दलिया विद पीनट बटर। ओ पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है रशियन में। हिंदी में बोल जाएगा कुछ? Only nani is responsible to teach you Russian. Siropa. Siropa. Finiki. Finiki. क्या करेगा? गाड़ियां निकाल निकाल के यहाँ पे इसके पीछे भर देगा, नहीं तो कहीं फेंक के पीछे साइड में रख देगा ताकि कोई ढूंढ ना सके। बाय 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 इवान, बाय 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 बाय। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल एंड प्रीवियत। आज सुबह जबरदस्त वाली फॉग थी, जबरदस्त वाली, मतलब हमारे नेक्स्ट फ्लैट भी नहीं दिख रहा था हमें। देखा ही होगा आपने वीडियो में, ठंड बढ़िया वाली है, मस्त वाली। अभी 14 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ी सी बारिश हुई थी तो फॉग हटी है। सोचो जहाँ पे अब बाहर जैसे मोस्टली जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है, या कह लो कि जहाँ पे बारिश होती रहती है, उन लोगों की लाइफ कितनी टफ होती होगी ना। मेरी इन-लॉज फैमिली को तो यक लगती है स्नो, यक यक कहते हैं कभी ना देखे। और इंडिया वाले भी स्नो कितने 10-15 मिनट देख पाते हैं, उसके बाद बस फोटो वोटो खिंचवा के वापस, आधा घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा। भाई साहब जी, थोड़ा सा सीधा चला लो, अगर आपको लेफ्ट जाना था तो आप राइट में क्यों आए? गुड मॉर्निंग गाइस, मंडे, सो आई एम इन ऑफिस टुडे। आजकल सबसे जरूरी हैंड सैनिटाइजर। लेट्स स्टार्ट सम वर्क। ये है प्रसाद, वैष्णो देवी गया था ऑफिस का स्टाफ, सो वहाँ से प्रसाद लेके आए हैं। जय माता दी, एंजॉय योर टी एंड स्टार्ट योर वर्क, मस्त ठंड वाले मौसम में। भाई साहब ये कोई सरिता विहार वाला यार, ये जो कालिंदी कुंजवाले ब्रिज तक पहुंचने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ती है ना, क्या ट्रैफिक। अभी जब तक ये ओडी वन चल रहा था, या अभी थोड़ा लॉकडाउन का टाइम, अभी भी चल ही रहा है ओडी वन तो, खैर
लेकिन पता नहीं क्यों आज ट्रैफिक एकदम से बढ़ गया है, नहीं तो अदरवाइज इस टाइम पे ट्रैफिक कम हो गया था जब से ये OD1 स्टार्ट हुआ है दिल्ली में। फाइनली कालिंदी कुंज वाले ब्रिज पे पहुंच गया हूँ, बट काफी देर बाद, और इसमें फ्यूल भी खत्म होने की कगार पे है। तो जिस रास्ते से मैं जाता हूँ सारे फ्लाईओवर हैं, तो मोस्टली वहां पे इस रूट पे बिल्कुल घर के पास है, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। सो लेट्स सी कोई आसपास मिल जाए तो सबसे पहले फ्यूल भरवाया जाए। कभी ये ब्रिज इतना मतलब बिजी रहता था, इतना बिजी रहता था, मतलब अभी तो जैसे ये दोनों साइड वन वे कर दिया ना, पहले एक साइड आने का था एक साइड जाने का था, और आप सोचो कि बीच में गलती से कोई टेम्पो या ट्रक खराब हो जाए तो क्या होगा। फुल कर दो और अब ये देखो केवल 16 किलोमीटर तक के लिए फ्यूल रह गया था, अब ये सीधा बढ़ गया। 13 की दिखा रहा, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ना 19 की एवरेज दिखा रही थी, अब बढ़नी स्टार्ट हुई है। अरे ये छोटा सा बच्चा क्या देख रहा है ऐसे बैठ के, क्या देख रहा है इवान? कौन है ये, कौन है? अब तो करेगा नहीं करेगा? ये देखो मैडम हिंदी हिंदी की पढ़ाई, इतनी पढ़ाई अगर मैंने की होती ना मैं कोई IAS IPS ऑफिसर होता। ऑनलाइन हिंदी की क्लासेस, डेडिकेशन देख रहे हो आप विदेशियों की हिंदी के प्रति। क्या क्या सीखा हिंदी में? धीरे धीरे, इतनी मुश्किल क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है? Your speech, you are talking very quickly. I can't teach with you. Sorry with you. पान के लिए डिनर, और ये है बड़े बच्चों के लिए डिनर, और इसमें है स्वीट पटेटो शकरकंदी, और हमारे घर की रशियन कुक मेड सर्वेंट, यस एंड डूइंग नथिंग, क्योंकि दाल मम्मी ने बनाई है और रोटी भी मम्मी ने बनाई है। नहीं, हाँ जी, मैं सब कुछ बनाई। कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया? हाथों में ड्रामा। कह रहा है मुझे, पापा बैठो मम्मा ने रोटी बनाई है खाओ, और मुझसे रोटी मांग रहा, कह रहा बड़ी सी रोटी दो मुझे, रोटी दाल बेस्ट डिनर है ना इवान? दादा आपका खाना ये खाओ, चलो पासीबा, कह रहा थैंक यू इन रशियन। ये देखो हमारा छोटा सा ड्रामा डिनर करने के बाद, इवान को तो सारे पता लग गए अब, है ना इवान? ब्रावो। कोई समझा सकता है ये रशियन में क्या बोल रहा है? इवान शर्मा रशियन बेटा। मम्मा इलाना शर्मा, ये है हमारा इवान शर्मा जिसको रशियन पूरी आती है और हिंदी अभी सीख रहा है। पूरे दिन बस खेलता रहता है और बोलता रहता है।